हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉस्टिक पार्टी। दिस इज सैंडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 वो बातें जो आपको गिटार लेने से पहले सोचनी है। जब भी आप गिटार लेने जाओ किसी भी शॉप में, ये 10 बातों का ध्यान जरूर रखना, आपको बहुत अच्छा गिटार मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न दीज 10 टिप्स फॉर बाइंग द गिटार ओनली ऑन कॉस्टिक पार्टी। कमिंग अप नेक्स्ट, ओके दोस्तों, टिप नंबर 1, ऑलवेज कैरी अ स्केल विद यू। ठीक है, ये छोटा सा स्केल है, ठीक है, आप देखिए इस तरीके का स्केल मार्केट में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपका जो नॉर्मल स्केल, ज्योमेट्री वाला स्केल होता है, उसको बीच में से ऐसे काट दो, ठीक है, ऐसे नाइफ से गर्म करके, चाकू को गर्म करके ऐसे काट लो। काटने का रीज़न क्या है, क्योंकि फ्रेट के बीच में ये आराम से घुस जाएगा, क्योंकि फ्रेट में इतनी चौड़ी स्पेस है नहीं कि आप में वहाँ पे बड़ा सा स्केल फिट कर पाओ। ठीक है, तो ऑलवेज कैरी अ स्केल विद यू। ये स्केल किस लिए लेना है मैं आपको बताऊँगा कि इसका यूज़ क्या है। दोस्तों, आप वीडियो में देखो कि किस तरीके से मैंने स्केल को कहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है, कैसे करना है। जो 12th फ्रेट है आपका, जब भी आप कोई भी ब्रांड का गिटार ले रहे हो तो आपको उसको सीधे फ्लैट पोजीशन में रखना है, और 12th फ्रेट पे जैसे वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से वर्टिकल पोजीशन में इस स्केल को वहाँ पे इंसर्ट करना है। दोस्तों, 12th फ्रेट पे ही आपको नापना है। 12th फ्रेट पे आपका हर एक स्ट्रिंग का जो गैप है वो आपका 4 mm तक होना चाहिए। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट 5 mm की है, ठीक है, 5 mm तक भी होगा तो भी चल जाएगा दोस्तों, ठीक है, 5 mm, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 mm, ठीक है, 5 mm तक भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन बेस्ट तब रहेगा जब आपका 4 mm तक है। ठीक है, जैसे मेरा गिटार यामा का है, आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो 4 mm तक ही है, सारी स्ट्रिंग्स का गैप जो है वो 4 mm तक मेंटेन है दोस्तों, राइट। अगर आपका 5 mm वाला मिल रहा है, आपने बहुत देख लिया आपको 5 mm वाला ही मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 mm तक चल जाएगा, बट मैंने बताया बेस्ट सुटेबल इज 4 mm। दूसरी और बात, अगर 5 mm से गैप ज़्यादा है उस गिटार को बिल्कुल मत लेना दोस्तों। सेकंड रीज़न क्या है कि जो दुकानदार होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम इसका एक्शन टाइट करके देंगे, ढीला करके देंगे, इसको ठीक करके देंगे। ध्यान रखो एक्शन क्या चीज़ है, बहुत सारे बिगिनर्स गिटारिस्ट को मालूम भी नहीं होगा कि एक्शन क्या चीज़ होती है। दोस्तों, एक्शन गिटार के नेक के अंदर एक ट्रस रॉड होता है, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, ट्रस रॉड को घुमा के आपके फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग के बीच के गैप को कम या ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करने देना उनको। हमेशा जब भी गिटार लो अपनी आंखों के सामने लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने गिटार सेलेक्ट कर दिया, वो बंदा कहीं ऊपर चला गया और ऊपर से उसने ट्रस रॉड हिलाया घुमाया और उसने एडजस्ट करके आपको दे दिया, आपने बोला हाँ यार गैप ठीक है, एकदम वेल मेंटेन है, चलो मैं इसको लेके चलता हूँ। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ट्रस रॉड जो गिटार का है ना, वो बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, ठीक है, आपका गिटार उससे क्रैक भी हो सकता है। अगर उसने आपको ट्रस रॉड एडजस्ट करके दे दिया और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो फ्यूचर में हो सकता है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो गिटार आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि आपको मैंने फटी टी शर्ट दे दी दुकान से और बोला भाई आपके पास स्वीता आ गया ना, सिल देना यार, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर उसका ट्रस रॉड ज़्यादा गैप दे रहा है, अगर वो 5 mm से ज़्यादा गैप है, तो उसको लो ही मत ना, सिंपल है, क्योंकि वो आपको एडजस्ट करके देगा। फिर वही बात हो जाएगी ना जो मैंने आपको बताया कि यार ये डिफेक्टेड तो आप लेके आ गए है ना, अब इसको घर पे आप घुमा के ठीक कर देना, ट्रस रॉड घुमा के, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ऑलवेज कैरी अ स्केल विद यू, और जो मैंने आपको गैप की लिमिट बताई है 5 mm से कम, 5 mm से ज़्यादा नहीं, और बेस्ट सुटेबल है 4 mm, या 4 से थोड़ा भी कम तो चलेगा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ओके, टिप नंबर 2 दोस्तों, ट्यूनिंग पैग। ट्यूनिंग पैग दिखने में बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उसको आपको प्रॉपरली चेक करना है, ठीक है, उसके पीछे का जो पार्ट है और साइड वाइड का जो भी पार्ट है उसको आप घुमा के एक बार देख लो, ठीक है, लूज तो नहीं है। कई बार क्या होता है, ट्यूनिंग पैग आप देख लेते हैं, केवल गिटार आउटर आउटर देख लेते हैं आप, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि आप जब घर जाते हो उसको घुमाते हो तो आपको लगता है कि गियर बहुत लूज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो गियर के टीथ होते हैं ना, वो आपस में ऐसे फंसते हैं उसके अंदर, राइट, एक दूसरे में ऐसे मैश होके वो फंसते हैं, तो जब आप टाइट करते हो तो दोनों गियर अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं या सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, तब जाके वो टाइट है, ढीला होता है। तो आपको हमेशा ट्यूनिंग पैक को घुमा के चेक करना है दोस्तों, जैसे वीडियो में दिखाया गया है, हर एक ट्यूनिंग पैक को आप इंडिविजुअली चेक करो कि वो सही कंडीशन में है कि नहीं है। अगर आपको घुमाने से लग रहा है कि बहुत ढीला है, बहुत एकदम स्लगिश मोशन है उसका, बिल्कुल कभी तेज घूम जा रहा है, कभी स्लो जा रहा है, तो उसको बिल्कुल मत लो, ठीक है, उसको अच्छे से चेक करके आपको लेना है दोस्तों। ओके दोस्तों, टिप नंबर 3, चेक फॉर द क्रैक्स। ठीक है, आपके गिटार में कई बार हो सकता है कि आपको क्रैक मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ पे किस पोजीशन पे बताया वो कि क्रैक कहाँ पे होता है। जनरली सबसे मेजर जो इशू होता है वो क्रैक का कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी गिटार की नेक प्लेटफॉर्म पे जॉइन होती है, जिसको हम स्टॉकिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो गिटार की गर्दन है वो आपके प्लेटफॉर्म पे टच हो रही है, मैक्सिमम वहाँ पे चेक करो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ पे क्रैक हो गया तो आपका गिटार कोई ठीक नहीं कर सकता, आप कितना भी कुछ भी कर लो कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, यहाँ पे आप ज़रूर चेक कीजिए।
उसके बाद सेकेंडली आप गिटार को फ्लैट पोजीशन पे रखो और प्लेटफॉर्म पे आगे पीछे साइड सब जगह और स्टॉक के पीछे जो आपकी गर्दन की स्टॉक है पीछे जो वीडियो में दिखाया गया है वहाँ पर भी प्रॉपरली चेक करो कि कोई इंडिविजुअल क्रैक नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो प्लेटफॉर्म पे जो आपकी फिंगर है उसको टैप करके साउंड क्रैक्स को ऐसे साउंड करके आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि अगर उसमें क्रैक होगा तो अजीब सा साउंड करेगा। ठीक है, आपने कभी देखा होगा आपके घर पे जो कभी टाइल ढीली रहती है ना तो अलग ही साउंड करती है, आपने बहुत नोटिस किया होगा। ठीक है, कहीं भी आपके ऑफिस में कहीं पे भी घर में आपने नोटिस किया होगा जब आप चलते हो और किसी सारे टाइल्स को ऐसे कभी आपने चेक करते हो तो आपको लगता है कि इस टाइल में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि टाइल कहीं ना कहीं क्रैक होती है, अंदर से कुछ हॉलो होता है, उसके नीचे का स्पेस खिसक जाता है। तो गिटार में भी ऐसा है, आप टैप करके साउंड कर सकते हो, अगर आपको बीच में थोड़ी सी अटपटी साउंड आएगी तो डैट मीन्स कि वो गिटार थोड़ा डिफेक्टेड है, उसको आप मत लो। ओके, नेक बेंडिंग। अब जो गिटार की नेक है, जो गिटार की गर्दन है, उसकी बेंडिंग हम कैसे चेक करेंगे? दो एंगल है, एक गिटार को इस पोजीशन में रखना है जैसे मैंने आपको दिखाया कैमरा में, इस एंगल से आपको अपनी आंख से सीधी लाइन में देखना है, अगर उसमें कुछ टेढ़ापन होगा तो आपको क्लियरली दिखाएगा। दूसरा ये वाला पोजीशन है, इस पोजीशन में भी आपको देखना है, एकदम सीधा देखना है, अगर आपको थोड़ा सा भी एंगल नजर आता है, एकदम थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं यार कर्व पोजीशन है, तो आप उस गिटार को मत लीजिए क्योंकि उसका नेक खराब है। क्योंकि अगर गिटार बेंड है, गिटार की नेक अगर बेंड है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आप उसको बिल्कुल मत लीजिए, आप कितना भी ट्रस रॉड घुमाएंगे वो ठीक नहीं होने वाला। राइट दोस्तों, तो आपको गिटार की गर्दन भी चेक करके लेना है। अगला बढ़ते हैं ब्रांड नेम पे। दोस्तों आपको मालूम है कि आप जब कोई लोकल गिटार खरीदते हैं तो उसका भी ब्रांड नेम मेंशन होता है, उसका भी ब्रांड नेम लिखा होता है। राइट दोस्तों, तो आपका जो गिटार का ब्रांड होता है, जैसा कि मेरा यामा का F310 है, कई लोग मुझे पूछते हैं, आज मैं बता भी रहा हूं, मैंने इससे पहले भी बताया कि मैं कौन सा गिटार यूज करता हूं, तो यामा का ब्रांड नेम आपको मालूम है कि जो हेड स्टॉक होता है जहां पे आपके ट्यूनिंग पैक होते हैं, ट्यूनिंग गियर्स होते हैं, वहां पे लिखा होता है। मैक्सिमम सारे ब्रांडों का वहीं पे नाम होता है विद लोगो, ठीक है, वहीं पे नाम होता है। दूसरा जो साउंड होल है, साउंड होल के पीछे जैसा आपको वीडियो में दिखाया है वहां पर भी गिटार का नाम होता है और उसका मॉडल नंबर भी होता है। राइट दोस्तों, तो ये चीजें आपको चेक करके लेनी है अगर आप ब्रांडेड गिटार ले रहे हैं तो। ओके दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं जो है ट्यूनर और एम्पलीफायर वाले गिटार। दोस्तों अगर आप नॉर्मल गिटार ले रहे हो जैसे मेरा है यामा F310, उसमें इनबिल्ट ट्यूनर नहीं आता है ना ही एम्पलीफायर आता है, लेकिन अगर आप ऐसा गिटार लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें ट्यूनर है और एम्पलीफायर है जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं तो वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप वो नहीं भी ले रहे हैं क्योंकि उनका जो कॉस्ट है उसमें जुड़ जाता है तो गिटार आपका थोड़ा महंगा हो जाता है, तो आप बिना ट्यूनिंग के और बिना एम्पलीफायर के भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक टिप बता रहा हूं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ट्यूनिंग वाला या एम्पलीफायर वाला गिटार जरूर लो। ओके, अगले टिप में चलते हैं जो कि है गिटार का ब्रिज। दोस्तों गिटार का ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको याद है मैंने सबसे पुराने लेसनों में आपको बताया था कि ब्रिज क्या होता है, एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ता है, तो गिटार में एक स्ट्रिंग का एक पार्ट ट्यूनिंग पैक तक जोड़ने का काम ब्रिज करता है। दोस्तों ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि अगर वो खराब हो गया तो आपका गिटार कंप्लीटली खराब हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है आपको, तो जो ब्रिज है दोस्तों वो दो टाइप के होते हैं, आपने देखो कि जो लोकल क्वालिटी के गिटार होते हैं उसमें इस तरीके का ब्रिज होता है जैसा मैं आपको बता रहा हूं, एक एल्यूमिनियम का पत्ता लगा होता है, एक प्लेट लगी होती है। ये ब्रिज मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप इंटरमीडिएट बजाने लग गए हो तो अच्छे गिटार में इन्वेस्ट करो, ठीक है, एक अच्छा सा गिटार लो। लेकिन अगर आप सीख रहे हो, जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो तो 2-3 हज़ार वाले में ऐसा ब्रिज आ जाता है तो आप इसे ले सकते हो, लेकिन ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि ये गिटार आपका 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, कभी नहीं। हो सकता है वो 6 महीने में खराब हो जाए, हो सकता है 1 साल में ही खराब हो जाए। ठीक है दोस्तों, जो मैंने लिया है यामा का F310, जब आप अच्छा खासा सीख जाओगे बजाओगे तो एक अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करना, ठीक है, यामा हो गया, एपिफोन हो गया, कोट हो गया, हॉबमर हो गया, ठीक है, गिब्सन हो गया, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड का गिटार आप लेना। दोस्तों अच्छा गिटार लेने से वो ज़्यादा साल तक टिकता है, ठीक है, आप उसमें बस केवल स्ट्रिंग चेंज कर दो और वो एकदम नए की तरह साउंड करेगा। मेरा जो खुद का गिटार है यामा F310, उसको 6 साल से ऊपर होने वाले हैं और वो इतना परफेक्ट बजता है आज तक, मतलब कि मैं उसमें केवल स्ट्रिंग चेंज करता हूँ और बस इट एक्ट लाइक अ मैजिक, बस केवल जादू के साथ वो बजता है और एकदम परफेक्ट साउंड करता है। ठीक है दोस्तों, हैंगिंग ब्रिज तो बिल्कुल मत लेना, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये हैंगिंग टाइप वाले ब्रिज होते हैं, ये कारगर नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये फेल है, पूरा फेल है। आपको एकदम फिक्स्ड ब्रिज लेना चाहिए जैसे मेरा है यामा का F310, और भी कोई गिटार होता है जिसमें एक फिक्स्ड ब्रिज हो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, अगला टिप में बढ़ते हैं बेल्ट का नॉच। दोस्तों आपको बहुत सारे ब्रांडेड गिटार जो है आपको गिटार के पीछे एक बेल्ट का नॉच देते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि आपको बेल्ट का नॉच यहाँ पीछे की साइड में मिलेगा, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, और कई सारे ब्रांड जो है आपको वो आगे की तरफ भी देते हैं, जो एकदम आपका जो नेक है, नेक जहाँ पे आपका कनेक्ट होता है प्लेटफॉर्म पे, उसके नीचे भी आपको एक नॉच मिलता है। अगर वहाँ पे नॉच नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप हेड स्टॉक में
एक धागा बांध के भी काम चला सकते हो, क्योंकि आपको कई बार कॉलेज में लाइव परफॉर्मेंस करना पड़ता है, तो बहुत से लोगों को बैठ के बजाना पसंद नहीं है, उनको खड़े होकर माइक के साथ एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में गाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आपके लिए बेल्ट नॉच बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके साइड वाले गिटार में, मतलब जो साइड में पीछे मैंने बताया आपको, वहाँ पे हेड नॉच है आपका, आपका बेल्ट का नॉच है, तो दैट इज़ परफेक्ट। अगर आप आगे की तरफ चाहते हो तो खुद अपने से आप ड्रिल भी करवा सकते हो दुकान में जाके, लेकिन जो ड्रिल करवाना है वो मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। काफ़ी लोग करवाते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, कि कुछ भी हो सकता है। ड्रिल जब आप कर रहे हो तो गिटार की बॉडी में क्रैक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो हेड पार्ट पे आप कर रहे हो, नेक वाली पोर्शन की बैक साइड में कर रहे हो, वो बहुत रिस्की है। तो आई विल गाइड यू कि आप हेड स्टॉक में धागा लगा के बेल्ट वहीं से आप टारगेट करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ, जो है गिटार का लेबल, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर। दोस्तों जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये मेरे यामाहा का सीरियल नंबर है, जो आपके गिटार के नेक के नीचे, साउंड होल के नीचे साइड में आपको दिखता है, जहाँ पे आपका एलन की घूमता है, ठीक है, जहाँ पे आपका एलन की घुसता है, मतलब उसको टाइट करने के लिए आपके ट्रस रॉड को, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। हर ब्रांड बेसिकली वो प्रोवाइड करता है, हर ब्रांड ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ब्रांड प्रोवाइड करते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो ब्रांडेड गिटार ले रहे हैं तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि वहाँ पे आपका सीरियल नंबर होना चाहिए। ओके, जो लास्ट टिप है दोस्तों, गुड इको साउंड। जब भी आप गिटार को स्ट्रम करो ना, एक सिंगल स्ट्रम में उसका इको सुनो कि कितने लंबे टाइम तक जा रहा है। ज़्यादा इको रहेगा तो दैट इज़ द परफेक्ट गिटार, वो एकदम बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। सुन लेते हैं मेरे गिटार का इको। फाइव टू सिक्स सेकेंड्स, ठीक है, राइट दोस्तों। तो जब आपके गिटार का इको ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा उसमें से अच्छी क्वालिटी का साउंड मिलेगा। कई लोगों का क्या होता है, डेड नोट होता है। डेड नोट समझते हो आप, मतलब आपने बजाया वो तीन सेकंड भी लास्ट नहीं करता, केवल आपको ऐसा लगता है कच्चा कच्चा सा बज रहा है, ऊपर ही ऊपर से बजा और बंद हो गया, तो वैसा गिटार बिल्कुल मत लेना। और ये किस में आती है प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ, हमेशा वो डिपेंड करता है आपका प्लेटफॉर्म पे। आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको जो ये विड्थ है, विड्थ, ठीक है, ये डब्बा जितना मोटा होगा, जितना मोटा होगा, मतलब अगर इसकी विड्थ इतनी और होती तो ये और ज़्यादा इको करता, क्योंकि सिंपल सी बात है उसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा। रेजोनेंस एयर कॉलम पे डिपेंड करता है, इसके अंदर जो हवा है ना, अगर आप इस डब्बे को बड़ा कर दोगे तो हवा भी ज़्यादा रहेगी, और मतलब हवा ज़्यादा है तो एयर कॉलम बढ़ गया, एयर कॉलम बढ़ गया तो रेजोनेंस बढ़ेगा, ठीक है, रेजोनेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, इको ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपने देखा होगा जो एपीफोन के गिटार होते हैं, एपीफोन के गिटार का बहुत ही जंबो साइज होता है, एकदम मोटा होता है, लेकिन आवाज़ जो होती है ना एकदम ज़बरदस्त आवाज़ होती है, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड गिटार लो, जिस तरीके का ऐसा है, एक स्टैंडर्ड साइज़ का गिटार लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और ध्यान रखना, गुड इको, हमेशा अच्छा इको होना चाहिए, प्लीजिंग टू एयर्स होना चाहिए, चुभने वाली साउंड, ये सब क्रैकलिंग साउंड बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई गेस आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपको मालूम चला होगा कि आपको गिटार अगर लेना है तो किस तरीके से लेना है, किन किन बातों को ध्यान रखते हुए लेना है, क्योंकि मुझे मालूम है एज अ बिगिनर हम लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि हम गिटार सीखने वाले हैं, गिटार सीखने वाले हैं, और जल्दीबाजी में हम कैसा भी गिटार लेके आ जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें दोस्तों ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपका गिटार अननेचुरल साउंड करता है, फिर आप बाद में फेडअप हो जाते हो, और ये एक ना एक रीज़न होता है आपका गिव अप करने का, क्विट करने का, कि मैं गिटार नहीं बजाऊंगा, क्योंकि गिटार से अच्छी क्वालिटी की साउंड नहीं आ पाती है, राइट दोस्तों। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कौन सा गिटार लेना है, कैसा लेना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी आपकी पूछ सकते हैं कि आपको गिटार अगर लेना है तो कौन से ब्रांड का लेना है, कितने बजट का लेना है, वो सब मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।